है नहीं पता मुझे, बट एक ब्राह्मण कुल के इंसान है, इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूं तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं है, मैं आशीर्वाद ले रहा हूं। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छूएगा। जानते हैं किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है, किसी को पता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए। उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर 10 लोग आपको जान गए तो वही 10 20 को जनाएंगे, वही 20 30 को जनाएंगे, और ऐसे ही दुनिया में एक आप एक मिसाल कायम कर जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि खुद को बस डाउन टू अर्थ रखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। क्या बहुत जबरदस्त। तो हम लोग अब माँ पार्वती यही बोले कि भगवान ये बताइए कि लोग उजरले के काहे उजरेला। भगवान कहले कि बेमतलब काहे के फेरे में पड़ल बड़ू, चलो खाना पीना बनाओ अस्थिर हो जा। तो ना जले आप बताइएगा नहीं तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे। कुछ देर के बाद माँ पार्वती इस बात को भूल गई कि मैंने क्या पूछा था। भगवान बोले कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जाने के बाद बोले भगवान की कुछ बनाओ पार्वती, कुछ भूख सी लगी है मुझे। तो माँ ने लकड़ी लाया, ईटा लाया, खाना बना के उनके सामने परोस दी। तो भगवान पूछे कि बताओ कि लकड़ी कहाँ से आया, तो मैं यहां से लाई। भांग कहां से आया, तो यहां से आया। ईंटा कहां से आया, तो बोले कि दो ईंट था तो एक वो इनार था, उस इनार में एक इनार थोड़ा सा ढह गया था और दूसरा ठीक था। तो उन्होंने बोला तो किस में से ईंटा लाई, तो वो जो ढह गया था उसी में से लेके चली आई। तो उनका शब्द था कि जब तुम दुनिया के मालकिन होकर उजरे हुए एक इनार को उजार के आ गई तो तुम कैसे सोचती हो कि इंसान वो बुरियार के पास जाएगा। तो जिंदगी में हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। सारे गमा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वे भी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं, मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दो मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है, ठीक है मैंने डील की है किससे, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने। डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया, जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है उनका पेपर पे साइन किया, वहां पढ़ा लिखलना है, भाईचारा के हीरो बन गए, हम क्या करें, हमारे क्या गलती में भाई। अब भाई चराने वाले कोई लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहां तक पहुंच गया। अब लोगों को लगता है कि एक भाई चराने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया, तो ठीक है ना। और अपने ही लोग काटने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि अच्छा जितने इंडस्ट्री में लोग हैं, मैंने खेसारी के चाहते जे हीरो रहस, के चाहते जे खाली करे गानाबाजी, नहीं। जिंदगी में हर आदमी जो मेरे कंपटीटर है, जो मेरे आस पास रहने वाले लोग हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे से ज्यादा बजे, कोई नहीं चाहता है। अच्छा आप चाहिएगा जब कोई मीडिया वाला आपसे ज्यादा बड़ा हो जाए, नहीं ना। हर आदमी का एक, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपनी मेहनत से, अपने ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। अगर आपको अगर प्लानिंग ही आती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ कि जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ जिम करके देखे। बस पूरी पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूं। लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं तो भाई खेसारी को कैसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए, बट मैं इस पे भी फोकस नहीं करता। आपके अंदर दबाने की पावर है, मेरे अंदर करने की पावर, मेरे अंदर दौड़ने की पावर, मेरे आपको अंदर रोकने की पावर है। कितने दिन तक आप बाढ़ को रोक सकते हैं सर, जाइए डैम खोली हो दिन को गाँव डूबाई होकर पते नहीं खे डेमो खुले तब। अच्छा ये एग्रीमेंट है जीवन भर हमार, अच्छा ये हटब हो दिन वो कहाँ जाइए जी डिलेट मारता रहे। तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सॉल्व नहीं है। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार से अगर चीजें हो जाए तो दुनिया में हर चीज मैनेज हो सकती है।
मेरा यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो, जब जीवन का रिश्ता जब खत्म हो सकता है किसी पेपर के तहत, तो क्या वो खत्म नहीं होगा? सब कुछ खत्म होने वाला है, बट ठीक है, वो एक जिद है किसी की और मैं उस जिद के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे दुख नहीं है। हम महीना के 20 गाने गाते हैं, कितना डिलीट मारिएगा? अभी आपको छू के देखिए, आपको भी समझ में आएगा ना कि आप कहाँ छू रहे हैं। नहीं छू सकते। तीसरी को छू के देखिए, नहीं छू सकते। तो वो भी जानते हैं कि किसको मुझे छूना है। वो कमजोर लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव को अपने पास रखे हैं, बट कोई नहीं, उनका परिवार जब बंद होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। माँ दुर्गा है, अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा। मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ, इस नवरात्रि के टाइम पे मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, बट मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ कि माँ अगर मैंने गलत किया होगा उस इंसान के साथ तो प्लीज मुझे वो सजा देना, अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनको सजा मिलेगी। छोड़ दीजिए, कभी कभी भगवान को छोड़ना चाहिए। जो अभी माँ अभी दुर्गा का दिन है ना, तो हम दुर्गा पूजा में हैं, और आप दुर्गा पूजा अभी मनाइए, फिर हम एक दूसरे से दोनों भाई मिलेंगे, उसके बाद छठ का पाठ। नहीं, बंगाल का जो इधर है वो बिहार में आने के लिए आप बोलिए ना छठ पूजा में, आप बिहार में आइए। बोलिए तो आने के लिए, छठ पूजा के लोग हैं, प्लीज बिहार चले जाइए छठ पूजा में।